हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वो मेघा अब पूरी तरीके से होश में आ गई थी और अब वो ठीक थी। हाँ, बेटर नहीं थी, बट इतना था कि वो उठकर बैठ पा रही थी। और तब वो जैसे उसे होश आता है, उसके पास कुछ अनफेमिलियर फेसेस थे, पर उसकी नज़र एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही हैंडसम अल्फा पे रुक जाती है। वो वीन को घूर घूर के देख रही थी और तब वो कहती है, मैं कहाँ हूँ। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, बहुत स्वीट सी थी, एक ओमेगा की वॉइस की तरह बहुत प्यारी थी। विंग उसके पास से बैठा था, वो धीरे से उसे टच करने वाला था, बट ओमेगा थोड़ा सा पीछे हट जाती है, साइड हट जाती है। और तब विंग उसके पास से तुरंत ही उठ जाता है और तब विंग कहता है, डर मत, मैं कुछ नहीं करा। और तुम लैंग लाइन में हो? लैंग लाइन? हाँ, ये लैंग लाइन है और ये कुसु प्रिंस लैन वांग जी है, ये क्रूसु क्लैन लीडर है और ये मास्टर लैन है। वो सबको ग्रीट करती हैं और फिर वो कहते हैं, आप कौन हैं? और तब विंग कहता है, मेरा नाम विभूषण है। महाराज विभूषण, वो वीक लैन के किंग? विंग कहता है, हाँ, बट अभी मैं नहीं हूँ। और तब वो पर्सन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, बट आप थे, पता है, मेरे बाबा कहते थे कि आप बहुत अच्छे हो और आप हमेशा बहुत अच्छे काम करते हो, आप हमेशा ओमेगा के लिए सोचते हो और आप बहुत अच्छे हो। मेरे बाबा कहते थे कि अगर मैं बड़ी होती तो उसकी आपकी शादी मुझसे करा लेते। वो बहुत ही प्यार से कह रही थी। पुष्यान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो धीरे से उसके सिर को पैट करते हुए कहते हैं, क्यों नहीं, वैसे भी महाराज विभूषण बहुत अच्छे, और अगर वो उनके पास इतनी अच्छी ओमेगा होती तो वो और भी ज़्यादा लकी हो जाते। और तब उस ओमेगा के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और तब शियान कहते हैं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो पर्सन कहते हैं, मेरा नाम चिंग है। चिंग? हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा पूरा नाम क्या है? नहीं, मेरे पास कोई टाइटल नहीं है, मेरा नाम सिर्फ चिंग है, लोग मुझे सिर्फ चिंग बताते थे, मुझे नहीं पता मेरा पूरा नाम क्या है। अरे, तुम कितने साल के हो? 16 साल के हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, पर क्या आप मेरे अल्फा बनोगे? वशियान के हाथ को पकड़ लेती है और तब वशियान सीधे फांजी को देखता है और तब वशियान कहते, नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक ओमेगा है। क्या आपके पास ओमेगा है? नहीं नहीं, मुझे पता है आपके पास तो बहुत सारी क्वींस थी, बट आपने तो उन्हें सबको वापस भेज दिया था उनके क्लैन, और आपने तो कभी किसी से शादी की ही नहीं, तो फिर क्या मुझे शादी नहीं कर सकते? क्या मुझे मेरी अपनी ओमेगा नहीं बना सकते? मैं ना आपको ढेर सारे बच्चे दे सकती हूँ। बशियान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, वैसे चिंग, हाँ, क्या तुम जानना चाहोगी नहीं कि मेरा ओमेगा कौन है? हाँ हाँ, चिंग के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वशियान हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर वशियान के ओमेगा ने उसे मना कर दिया तो वो चिंग से शादी कर लेगा, ठीक है? चिंग हंसते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है। चिंग बहुत मासूम थी और वशियान उसे छोटी बहन की तरह ट्रीट कर रहा था, उसे प्यार कर रहा था। फंगजी दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कक्षे अंदर आए, वो कक्षे दरवाजे पर ही थोड़ा सा आगे खड़ा था। और तब वो चिंग कहती है, क्या आप बता सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे पेन हो रहा है बॉडी में। विशान कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं, उस दिन मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था और पापा के दोस्त लोग ने उनके बच्चे आए थे और फिर वो मुझे कहीं लेकर गए थे, बट फिर मैं शायद बेहोश हो गई थी, मुझे फिर कुछ याद नहीं है। विशान की मुट्ठी और भी कस जाती है, उसे समझ आ जाता है कि उस बच्ची को उन सब अल्फा ने ड्रग्स दिए थे जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और उसे होश नहीं था, और उसके साथ उन सब ने बेहोशी की हालत में वैसा किया था। वशियान अपनी मुट्ठी को क्लिंच कर लेता और तब वो कहते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ शायद तुम गिर गई थी, तुम्हें टोट लग गए थे, पर मैं यहाँ कैसे? मुझे बाबा के पास जाना चाहिए, बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे। अच्छा ठीक है, तुम अपने बाबा के पास चली जाना, बट अभी कुछ दिन तुम अपने भाई के साथ रह लो।
गगर के साथ मैंने अपने तुम्हें छोटे बहन माना है, तो क्या तुम मुझे अपना गगर नहीं मानोगे? नहीं, छिंग आपसे शादी करना चाहती है और अपने अलवा को गगर नहीं मानते, बाबा ने बताया था। विंग हंसते हुए कहता है, पर चेंग को तो पता है ना कि उसके विंग गगर को शादी हो चुकी है, उसका ओमेगा है। पर कहाँ है ओमेगा? मैंने तो कभी आपके बारे में नहीं सुना कि आपका कोई ओमेगा है। मैंने तो सुना था कि आप ऐसे सिंगल हो। हाँ, मेरा ओमेगा मुझसे नफरत करता है, वो मुझे कभी अपनाना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने कभी नहीं बताया। चेंग उसके हाथ को पकड़ लेती है, तब एक्साइटेड होते हुए कहती, तो फिर आप मुझे शादी कर लो, मैं आपको कभी मना नहीं करूँगी और मैं आपको ढेर सारा प्यार करूँगी। अच्छा नॉटी, आराम करो, तुम्हें चोट लगी है ना? चेंग पाउट कर लेती है और कहती है, पर हस्बैंड। हाँ बिल्कुल नहीं चेंग, मैं तुम्हारा गगा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। पर नहीं, तो अपने बड़े पक्का की बात माननी चाहिए। चेंग नोट करती है और तब वो विशान को हग कर लेती है। विशान थोड़ा सा अजीब फील करता है क्योंकि ऐसे ओमेगा और अल्फा इतने करीब है, ये ठीक नहीं है। विंग चेंग को दूर करते हुए कहता है, चेंग तुम बड़ी हो ना, गगा कैसे हग नहीं कर सकती? पर क्यों नहीं चेंग, समझो गगा का ओमेगा अच्छा फील नहीं करेगा, पर आपने तो कहा कि चेंग कि गगा का अल्फा ओमेगा उनसे प्यार नहीं करता, उसे नफरत करता है, तो फिर उसे क्यों फर्क पड़ेगा? विंग चुप हो जाता है और तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है चलो अब हम खाना खाते हैं। वहाँ पर एक टेबल लगा दिया जाता है जहाँ पर लैन जिरेन, लैन सिचन, वांग जी, विंग और चेंग वो सभी वहाँ बैठ गए थे। वांग जी सबको खाना सर्व कर रहा था और तब चेंग कहती है, राजकुमार लान आप हमें खाना क्यों सर्व कर रहे हो? सर्वेंट्स कर देंगे ना, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप तो यहाँ के प्रिंस हो ना। फैंग जी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं प्रिंस हूँ, पर मैं ओमेगा भी तो हूँ ना अपने अल्फा का, तो क्या मुझे काम नहीं करना चाहिए? विशान फैंग जी की तरफ अभी नहीं देख रहा था, पर फैंग जी विशान को देख कर ये सभी बातें कह रहा था। चेंग कहती है, हाँ हाँ ठीक है, और तब वो सभी खाना खाने लगते हैं और उन सबके खाना खाने के आधा हो जाता है और तब विशान कहता है, बैठ जाओ। फांग जी अभी खड़ा हुआ था साइड में और वह सबको खाते हुए देख रहा था और तब विशान को फांग जी देखता है और तब चेंग भी कहती है, हाँ हाँ लड़क अब इधर हो, इधर अब चेंग के पास बैठो। चेंग के बगल में फांग जी बैठ जाता है और तब चेंग उसे खाना सर्व करने लगती है। वो फांग जी के बाउल में सूप डालती है और तब वो ढेर सारा चिली फ्लेक्स और चिली ऑयल फांग जी के फूड में मिलाकर उसे दे देती है। फांग जी उसे देखने लगता है और तब सिचन कहते हैं, चेंग ये क्या किया तुमने? फांग जी ऐसा तीखा खाना नहीं खा सकता। हाँ पर क्यों नहीं, सब तो खा पर क्यों नहीं? क्योंकि कोसों में इतना तीखा खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते सब। ओ ठीक है सॉरी, पर ये खाना तो फेंक नहीं सकते ना। वो फांग जी की तरफ देखती है और फांग जी कहते हैं, कोई बात नहीं मैं खा लूँगा ठीक है। और तब फांग जी उस स्पून को जैसे फर्स्ट स्पून अपने मुंह में डालता है, उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है, उसकी नोज़ रेड हो जाती है, उसकी ईयर्स रेड हो जाते हैं और उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। विंग जैसे फांग जी की ऐसी हालत देखता है वो तुरंत उठता है, फांग जी के पास आता है, उसके खाने को उससे अलग कर जा कहते, पकड़ लो तुम फांग जी, तुम्हें अच्छे से पता तुम टॉयलेट नहीं कर सकती मिर्ची, तो फिर क्यों खाई? हाँ वो तुरंत ही फांग जी को ढेर सारा पानी पिलाता है और एक स्वीट जो वहीं रखा हुआ था वो जल्दी से फांग जी के माउथ में डाल देता है। फांग जी अपने मुँह खोल कर हाँ हाँ कर रहा था, उसे तीखा लग रहा था, वो अपनी टंग को हवा कर रहा था। विशान फांग जी की ऐसे देख कर कहता है, तुम पागल हो सच में? फांग जी की और विशान को ऐसे करते देख चेंग कहती है, कक्का आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वो एक ओमेगा है। और तब विशान कहता है, हाँ बट वो मेरा ओमेगा है, मैंने उसे मार्क किया और उसने मुझे। चेंग फांग जी को घूरते हुए कहते, क्या आप ओमेगा उनके? चेंग कैसी बात सुनकर फांग जी नोट करता है, बट अभी भी उसकी उसी जलन हो रही थी उसके लिप्स पर। और तब चेंग कहती है, आप बहुत बैड हो, आपने गगा को हर्ट किया ना,
आप ही वो बैड ओमेगा हो जिस जो गगर से बिल्कुल प्यार नहीं करता। आपको एक गुड ओमेगा बनना चाहिए। चिंगी सा कहकर पाउट कर लेती है और तब वशियान उसके पास देखते हुए उसे उसके गाल को पिंच कर लेता है और तब कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है मेरी शतार्दी बहन चलो अब तुम चुपचाप खाना खाओ और तुम वांग जी इसे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं इसे फिनिश कर दूँगा तुम दूसरा सूप ले लो। वांग जी नोट करता है और वो दूसरा खाना खाता है। वशियान दोनों का ही खाना खा लेता है। वशियान की टमी एकदम फुल हो गई थी मानो उसने दो दिन से जितना भी खाना नहीं खाया था उसने आज फुल खा लिया। उसकी टमी एकदम फुल हो गई थी और तब चैन कहती है और तब वहाँ पर सिचैन और जिरैन वहाँ से चल जाते हैं। फांग जी भी वहाँ बैठा हुआ था वो प्लेट्स उठा रहा था और तब चिंग जाकर वशियान के लैब में बैठ जाती है। वशियान फांग जी दोनों ही अचानक से चौंक जाते हैं और तब वशियान कहते हैं चिंग क्या कर रही हो। चिंग वशियान के नेक में गले में हाथ डालकर उसके चेस्ट के ऊपर उसकी दिल की धड़कनें सुनने लगती है और तब वो कहती काका आपकी धड़कन तो कितनी अच्छी है आपकी चेस्ट इतनी स्ट्रांग है और वैसे बैठ कर उसे हक कर लेती है। वशियान फांग जी को देख रहा था और फांग जी कुछ नहीं कहता वो चुपचाप सारे प्लेट्स को वहाँ से सर्वन की मदद से ले जाता है और तब वो वशियान की तरफ आखिरी बार जाने से पहले देखता है और तब वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिली पहले अपनी क्लास के लिए जा चुका था क्योंकि उसकी क्लासेस थी और वो रुक नहीं सकता था इसीलिए और अब वांग जी भी वहाँ से चला जाता है और हमारा विंग कहता है विंग क्या कर रही हो तुम ऐसे नहीं करते ना पर नहीं मुझे यहीं बैठना है आपको कोई दिक्कत हो रही है और जब वो बाउट कर लेती है और तब विंग कहता है अच्छा ठीक है बैठ जाओ। वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि अब चेंग छोटी नहीं थी वो खुद भी 15-16 साल की ओमेगा हो गई थी एंड विंग वो अल्फा था और हाल ही में उसकी रट ख़त्म हुई है तो उसकी बॉडी अभी बहुत सेंसिटिव है उसे चेंग की जो ओमेगा फेरोमोन्स थे उसे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे उसे वॉमिट जैसा फील हो रहा था क्योंकि अब उसकी अल्फा को सिवाय फांग जी के और किसी भी ओमेगा का फेरोमोन अच्छा नहीं लगेगा और अगर वांग जी ने उसे रिजेक्ट किया तभी वो किसी और के फेरोमोन्स को बर्दाश्त कर पाएगा बट वहाँ वो अपनी ही बहन के फेरोमोन्स को फील नहीं मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था और तभी वांग जी एंटर करता है वो चेंग को पकड़ कर वशियान की लैब से उठा देता है और तब उसे ज़्यादा ले जाकर बेड पर लेटाकर सुला देता है उसे ब्लैंकेट से फुली कवर करके पकड़ लेता है और कहता है तुम आराम करो तुम यहाँ भी आराम कर सकते हो तुम्हें मेरे अल्फा की लैब पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। फांग जी का टोन थोड़ा सा रूड हो गया था। विंग उसके पास आते हुए कहता है फांग जी ये क्या कर रहे हो। फांग जी अपने अल्फा की तरफ देखते हुए कहता है देखिए प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए मुझे पता है ये आपकी बहन है बट ये खुद एक बड़ी ओमेगा है 15-16 साल की हो चुकी है तो प्लीज़। वशियान कुछ नहीं कहता और तब चेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए मैं अब दोनों के बीच में लड़ाई नहीं कराना चाहती थी। वो उसकी आंखों में आंसू देखकर वशियान उसके पास आता है उसे हक कर लेता है। चेंग भी वशियान को पकड़ लेती है और तब वो कहती है माफ़ कर दीजिए राजकुमार लान ऐसा मैं नहीं करूँगी कभी वो बहुत ही प्यार से इनोसेंटली कहती है और तब विंग उसके फोरहेड को धीरे से रब करता कहते कोई बात नहीं और तब वो वांग जी को देखते हुए कहता वांग जी क्या कर रहे हो तुम तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि मैं किसी के साथ रहूं तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम जा सकते हो यहाँ से समझे। वांग जी कुछ कहता पर वशियान की ऐसी बात सुनकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वांग जी बाहर जैसे ही रुक के जाता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं वो वहीं दरवाजे की टेक लेके बैठ जाता है और वहाँ वो रोने लगता है वो अपने हार्ट को पकड़ लेता है और तब वो कहता है मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है पर इतनी बड़ी गलती नहीं कि आप मुझे ऐसे सजा दोगे अल्फा आप चाहो तो मुझे मार सकते हो
मुझे पनिश कर सकते हो, मुझे सजा दे सकते हो, पर ऐसे नहीं। अब किसी और मेगा की नहीं हो सकते। फंक जी आपको नहीं होने देगा। फंक जी वहीं थोड़ा देर होता है, पर फिर वहाँ से उठकर वह चला जाता है। उशान अभी भी जिंक के पास था, वो जिंक को आराम से सुला देता है और तब वो बाहर आता है। उसे पंगजे के वो सैड फेरोमोन्स फील हो रहे थे पूरे उस जगह पर। तब वशान बाहर आता है। वशान देखता है कि पंगजे बाहर खड़ा हुआ है उस कक्ष के बाहर जो टीचर्स क्वार्टर है उसके बाहर। जब वशान आता है तब देखते हैं कि पंगजे वहीं खड़ा हुआ था। पंगजे के हाथों में फूल थे। तब पंगजे वशान के सामने आता है उसके नीज पे बैठते हुए, उसे फूल आके करते हुए कहते हैं, अल्फा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ गया कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए अल्फा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, अब जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, आप मुझे जितना पनिश करना चाहे आप कर सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ अल्फा मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। वशान फंग जी को देख रहा था और तब वशान कहता है, फंग जी मुझे पता है कि तुम जेलस हो, ये जाहिर से बात है कोई भी होगा, पर ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मुझसे नफ़रत करते हो, तो वही करो, मुझे तुम्हारी नफ़रत ही पसंद आएगी। फंग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वशान वहाँ से चला जाता है। फंग जी को अपने हार्ट में पेन होता है और वो अपने हार्ट को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर चेंग आती है और वो हंसते हुए कहती है, ओ लगता है गगन ने आपको रिजेक्ट कर दिया। हाँ कर ही देंगे ना, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है तो आपको तो रिजेक्ट कर ही देंगे ना। फंग जी चिंग को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप वो जाने लगता है, पर चिंग उसके हाथ को पकड़ लेती है और तब अपने पास से एक खंजर निकाल कर उसके हाथों पर एक बहुत ही कट कर देती है। फंग जी उसकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगता है और तब चिंग कहती है, वो सिर्फ मेरे हैं, दूर रहो उनसे वरना जान लेंगे मैं तुम्हारी। वो ऐसा कहकर एक साइको की तरह हंसने लगती है। फंग जी हैरान हो जाता है और तभी वहाँ से चिंग चली जाती है। फंग जी हैरान भरी नज़रों से वहाँ देख रहा था और तब उसके हाथों से अभी भी खून रिस रहा था, टपक रहा था और तब वहाँ पर कुछ सर्वेंट जब वहाँ से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि उसके सेकंड प्रिंस उनके हाथों से खून आ रहा है और वो जल्दी से वहाँ आते हैं उनके पास और उनसे कहते हैं कि राजकुमारी क्या हुआ आपको, आपको ये चोट कैसे लगे। फंग जी अपनी चोट की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं ये कुछ नहीं है, और वो वहाँ से ऐसा कहकर जिंजी की तरफ चला जाता है। फंग जी जिसे बहुत ही हर्ट हो रहा था अपनी चोट से नहीं अपने दिल के दर्द से, वो जैसे जिंजी में आता है वो कुछ नहीं करता, वो चुपचाप जाता है और बेड पर सो जाता है, रोते रोते वो सो जाता है। विंग इतने दिन वहाँ नहीं था तो वंग जी क्लासेस ज़्यादा नहीं लेता था क्योंकि जो भी उसकी क्लासेस थे वो सिर्फ विंग लेता था, उसके अलावा कोई भी नहीं। और अब क्योंकि विंग ही नहीं था तो वंग जी उसके गगा या अंकल की एक दो क्लास ले लेता था, जैसे स्पॉट फाइटिंग हुई, बस ज़्यादा नहीं लेता था। और आज भी वो उसे कोई भी क्लास लेने का मूड नहीं था क्योंकि वशान कुछ दिन बाद से क्लास स्टार्ट करेगा, तभी वो क्लास में जाएगा। और तब वो ऐसे ही रोते रोते सो जाता है। और अब इवनिंग हो गई थी, इतने समय से किसी ने भी फंग जी को नहीं देखा था और तब वशान सबके साथ बैठ के डिनर करने वाला था और वहाँ पर तभी चिंग आती है और तब वो अपनी गगा को आके सीधे हक कर लेती है टाइटली। और तब वो देखता है कि सब उसे देख रहे थे और तब वो उसे दूर करता है और वहाँ पर आज नी और सांग के साथ साथ निमिंजे भी थे। और तब वो कहते हैं, ये कौन ओमेगा है विंग? और तब वो कहते हैं, कोई बात नहीं, ये मेरी बहन है। बहन? पर मुझे ये याली जैसे तो नहीं लगती। तब निमिंजे को देखते हुए विंग कहता है, नहीं नहीं ये वो नहीं है। और तब सिजन कहते हैं, मिंजे मैंने तुम्हें बताया था ना उस ओमेगा के बारे में, हाँ मुझे तुमने बताया था, तो क्या ये वही है? हाँ ये वही है। और तब नहीं मुझे उस ओमेगा की तरफ देख रहे थे, मानो उस ओमेगा को उन्होंने कहीं देखा है। वो कहते हैं, क्या पहले मिले हैं? और तब चिंग कहती है, नहीं मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर आप हो कौन? और तब वो कहते हैं, मैं नी क्लैन का क्लैन लीडर नी मिंजे हूँ। तब वहाँ पर चिंग
क्वीन उसे बू करती है और तब वो कहती है, क्या ओ आप तो बहुत स्ट्रांग हो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अजिंक बच्चों की तरह खुश हो जाती है। वहाँ पर विंग देखता है कि वहाँ पर सब कोई था पर वांगजी नहीं था। तो फिर वो सचिन गगा की तरफ देखते हुए कहते हैं, गगा वांगजी कहाँ है? और तब सचिन कहते हैं कि वो अपने कक्ष में ही होगा, वो अब हमारे साथ खाना नहीं खाता। और तब वांगजी इससे पहले कि कुछ कहते तभी चिक कहती है, गगा मुझे भूख लगी है, क्या हम खाना नहीं खाएंगे? तब विंग कहता है, हाँ ठीक है ठीक है। वो अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो चिंग जाकर फंक्शी की सीट पर बैठ जाती है। सब ये देख के थोड़े से अजीब फील करते हैं क्योंकि फंक्शी की सीट पर ऐसे बैठना ठीक नहीं था, बट अब क्योंकि चिंग क्विंग बैठ चुकी थी तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। और फिर वो सभी वहाँ खाना खाने लगते हैं और तभी बीच में फंक्शी आ जाता है। फंक्शी के हाथों से हल्का हल्का ब्लड लगा हुआ था, वो पूरा सूख चुका था क्योंकि फंक्शी ने भी उसे कुछ भी नहीं किया था, वो वैसा ही था। और तब वो देखता है कि पूरी फैमिली हैप्पी है, उसकी आराम से बैठ के खा रही है। तब वो दूर से वहाँ से देख कर चला जाता है, वांगजी की फेरोमोन्स को विंग फील कर लेता है। वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है बट वहाँ पर विंग को कोई भी नहीं दिखता, वहाँ पे वांगजी नहीं था। तो विंग कहता है, शायद ही मेरा भ्रम था। वो उस बात को इग्नोर कर देता है। और तब वो देखता है कि क्विंग सबसे हंस हंस की बातें कर रही है, मानो वो सब कुछ अपने पेन को दर्द को हटा रही है, भुला रही है, छुपा रही है। तो फिर विंग प्यार से उसके सर पे सहलाता है, एकदम बड़े भाई की तरह जेस्चर देता है और चिंग भी खुश हो जाती है। बट वो फिर से विंग को हग कर लेती है, विंग कुछ नहीं कहता और फिर उसे ऐसे ही टाइटली हग किए रहने देता है। और तब सबका फिर डिनर फिनिश हो जाने के बाद वो विंग को खींच कर ले जाती है अपने कक्ष के अंदर। हालांकि वो दोनों ही एक ही कक्ष शेयर कर रहे थे, इसीलिए वो खींच कर वहाँ से जल्दी से उसे लेकर जाती है। और तब विंग कहते हैं, चिंग चौ तुम पहले नहा लो, उसके बाद मैं नहा लूँगा। क्विंग कहती, पर गगो क्यों ना हम लोग साथ में नहाए? विंग कहते हैं, चिंग क्या कह रही हो तुम, चुप चुप जाओ नहाओ। ठीक है गगो मैं जा रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना चिंग कितनी मासूम है। हाँ हाँ ठीक है चौ। विंग हंस कर उसे टाल देता है और उस चिंग चली जाती है। तो विंग अपनी मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है और जैसे ही चिंग नहा कर आती है विंग अपनी नहाने के लिए, अब वो जाने वाला था तो वो अपनी आईज खोलता है और तब वो देखता है कि चिंग ने केवल इनर रोब्स पहने हैं और उसकी बॉडी पूरी शो हो रही है। विंग तुरंत अपनी आईज को उसे हटा लेता है और बिना कुछ कहे कपड़े लेकर तुरंत वॉशरूम में चला जाता है। और तब चिंग आती है, अपने पूरे हेयर्स को सुखाती है, ड्राई करती है और आकर वो बेड पे लेट जाती है। विंग जब बाहर आता है वॉशरूम से तो वो देखता है कि चिंग कैसे ही सो रही है। वो पहले चिंग को अच्छे से बेड से कवर कर देता है ब्लैंकेट से और तब वो रूम से बाहर आ जाता है। रूम पर एक बैरियर लगा कर वो बाहर आ जाता है और वो वांगजी के रूम के सामने आता है। वो देखता है कि वांगजी बाहर बैठा हुआ है और चाँद को देख रहा है और उसके आंखों में आंसू है और वांगजी का वो हाथ जिसे चिंग ने काटा था उससे खून आ रहा है, वो पूरा रेड रेड वहीं ऐसे है और वो ब्लड सूख गया है। विंग हैरान हो जाता है और तब वो जल्दी से वांगजी के पास आता है। वांगजी जब किसी की प्रेजेंस फील करता है तो वो अपनी आँखें उस पर डालता है और वो खड़ा हो जाता है। वांगजी जैसे खड़ा होता है वो कहते विंग आप यहाँ? वो विंग कहता है, ये क्या है? उसने वांगजी के हाथ को पकड़ लिया था। मतलब वांगजी कहता है, कुछ नहीं ये बस मैं तलवार के अभ्यास कर रहा था ना तो कट गया था, तुमने इस पर कुछ लगाया क्यों नहीं? हाँ खून देखो सूख गया है। वांगजी कहता है, मुझे दर्द नहीं हो रहा था इसीलिए पता ही नहीं चला कि खून आ गया है। क्या मतलब दर्द नहीं, और इसका कट देखो कितना डीप है। वांगजी क्या कर रहे हो तुम? हाँ ठीक है, मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे ये दर्द फील नहीं हो रहा। पागल हो गए हो तुम सच में। वो जल्दी से आता है और कुछ मेडिसिन वांगजी पे चोट पर अप्लाई करता है और एक कपड़े से टाइटली उसके हाथ को बांध देता है। और तब वो कहता है, ये क्या हरकत है वांगजी? हाँ वांगजी कहता है, अल्फा क्या मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैं आपसे प्यार करता हूँ।
जी, ये कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। मेरे फेरोमोन्स तो मैं अट्रैक्ट करे क्योंकि मेरी अभी रट भी थी है और कुछ नहीं, समझे? और दूर रहो मुझसे। बाग जी कुछ नहीं कहता पर वो चुपचाप फिर से वहीं बैठ जाता है। वो फिर से उस चांद को देखने लगता है और वीक वहाँ से चला जाता है।